हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश पर। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी क्योंकि हम करेंगे खूब सारे सिनोनिम्स। गाइस, सिनोनिम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए तो हमें बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो आने चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस। समटाइम हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट हमें उन वर्ड्स को एडजस्ट करना नहीं आता है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट वर्ड इज एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स वाइटल, नेसेसरी, क्रूशियल, फंडामेंटल। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज वाइटल। इंटरनेशनल ट्रेड इज वाइटल फॉर हेल्दी इकोनॉमीज। ओके, एंड नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट। नाउ क्रूशियल, संडेज मैच विल बी क्रूशियल। नाउ फंडामेंटल, इन साइंस स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ओके, द सेकेंड इज एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स बहुत सुंदर, बढ़िया। इसके वर्ड्स हैं स्टाइलिश, ग्रेसफुल, सोफिस्टिकेट। एंड द फर्स्ट सेंटेंस विल बी ऑन स्टाइलिश। She was wearing stylish dress. Okay, graceful. She handles her problems with grace. Okay, and last one is sophisticate. Sophisticate ka hai, simplicity is the ultimate sophistication. Okay guys, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली डेली आपको वीडियोस तभी मिलेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और गाइज, आपको अगर मज़ा आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, क्योंकि हमारे पास समटाइम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और हमें उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना आता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको साथ में एक एक सेंटेंस भी दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली इन वर्ड्स को हमने कैसे फिट करना है सेंटेंस में, क्योंकि हमारा बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है अगर हमें एक ही वर्ड को फिट करना नहीं आ रहा सेंटेंस में। ओके, और नेक्स्ट है हमारा वर्ड अग्री। अग्री मीन्स, इसके हैं हमारे सिनोनिम्स कॉन्सेंट, अप्रूव, CI to I। और हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा कॉन्सेंट पे, नो वन मे यूज़ द व्हीकल विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑनर। ओके, मतलब कोई भी पर्सन व्हीकल नहीं यूज करता है जब तक उसका ओनर जो है वो अग्रीमेंट साइन ना कर दे। एंड सेकंड इज अप्रूव। आई एम वेरी मच अप्रूव ऑफ दीज टेस्ट। ओके, एंड CI to I, दे फाइनली सॉ I to I ऑन द बिजनेस डील। दे फाइनली सो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, मतलब उन्होंने फाइनली क्या किया, अपनी जो बिजनेस डील्स उसके लिए अग्रीमेंट को साइन कर दिया। एंड अगला है हमारा टेंडर। इसका मतलब है कि कोई पर्सन है चाहे कोई थिंग है, मतलब वो बहुत सॉफ्ट है, लविंग है, मतलब बहुत काइंड है, इसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं टेंडर। तो इसके हैं हमारे सिनोनिम्स डेलिकेट, काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड। डेलिकेट सेंटेंस है, डेलिकेट का सेंटेंस होगा अ बेबी हैज़ डेलिकेट स्किन। अ बेबी हैज़ डेलिकेट स्किन। एंड नेक्स्ट है काइंड हार्टेड, इसका है ही इज जनरस काइंड हार्टेड पर्सन। ओके, सॉफ्ट हार्टेड, ही लुक्स टफ बट ही इज रियली वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ही लुक्स टफ बट ही इज रियली वेरी सॉफ्ट हार्टेड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल मतलब कि कोई भी प्रॉपर इस वे में बात करनी है, बड़ी समझदारी से, नेचुरल वे में, कि जो एक रीज़नेबल चीज़ होती है उस पॉइंट पे बात करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी बस अफवाह वगैरह है, कोई भी रूमर है तो ऐसे बात कर देनी, बहुत प्रॉपर वे में, एकदम नेचुरल वे में बात करनी है। तो इसका है हमारा वर्ड सेंसिबल। माई टीचर गेव मी सेंसिबल एडवाइस, मतलब मेरी टीचर ने मुझे एडवाइस दिया बहुत सेंसिबल, मतलब जो एकदम रियलिटी में काम हो सकता है, इसका मतलब है लॉजिकल। वैलिड, यू मेक अ वैलिड पॉइंट, यू मेक अ वैलिड पॉइंट। और हमारा अगला वर्ड है साउंड। साउंड सेंटेंस गाइज, थोड़ा मतलब गलती से लिखा गया था यहाँ पे, हमने इसका कोई सेंटेंस नहीं बनाया है और ये वर्ड थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैशनल। रैशनल का भी मतलब यही होता है कि नेचुरल और रीजनेबल, और मतलब दैट इज़ प्रैक्टिकल, ब्रेव एंड रैशनल मैन।
मतलब किसी पर्सन की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ब्रेव है और रैशनल, मतलब हमेशा समझदारी से ही काम करता है. ओके मतलब हमारा लॉजिकल वर्ड क्या हो गया, नेचुरल, और जिसका कोई रीज़न होता है, रीज़नेबल. और नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेम. शेम तो आप सबको पता है, डिसग्रेस, डिसऑनर, डिसक्रेडिट. ठीक है, फर्स्ट हमारा है डिसग्रेस. पॉवर्टी इज़ नॉट डिसग्रेस बट थेफ्ट इज डिसग्रेस. ओके समझ आ गया कि पॉवर्टी जो है वो डिसग्रेस नहीं है, बट अगर कोई चोरी करता है तो वो डिसग्रेस है, मतलब वो शर्म की बात है. डिसऑनर, हर इलीगल ट्रेडिंग हैज़ ब्रॉट डिसऑनर ऑन द कंपनी. हर इलीगल ट्रेडिंग हैज़ ब्रॉट डिसऑनर ऑन द कंपनी. और हमारा लास्ट है डिसक्रेडिट. डिसक्रेडिट इसका है, चीटिंग ऑन एन एग्जाम इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज टू डिसक्रेडिट योर एकेडमिक रिकॉर्ड. ओके मतलब जो चीटिंग है वो तो सबको पता है कि एग्ज़ाम्स के लिए अगर किसी ने अपने आप को डिसक्रेडिट में लेकर आना है तो वो चीटिंग कर ले, और उसका जो ओवरऑल एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सारा क्या हो जाएगा, उसमें उसका मतलब इंसल्टिंग वे से ही लिया जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड के सिनोनिम्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्यूजिंग एंड इंट्रिकेट. फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स. दिस स्टोरी इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो स्टोरी है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्यूजिंग. हर इंस्ट्रक्शंस वर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्फ्यूजिंग, मतलब जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरी कॉन्ट्राडिक्टिंग है और एंड कॉन्फ्यूजिंग. और हमारा नेक्स्ट है इंट्रिकेट. इंट्रिकेट का मतलब है द फार्मर यूज एन इंट्रिकेट सिस्टम फॉर ड्रेनेज, मतलब इंट्रिकेट होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, कि उसके जो स्मॉल, इवन कोई एक बिग सिचुएशन है उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स भी अगर हम देखें उस चीज़ के तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट है, जिससे सारी की सारी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मतलब ये जो इंट्रिकेट वर्ड है इसका मतलब है कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड कोई भी सिचुएशन है. तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट. इसका है डाइवर्स, डिस्टिंक्ट एंड डिससिमिलर. फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा डाइवर्स पे, वी कलेक्टेड फ्रूट्स फ्रॉम डाइवर्स ट्रीज. ओके मतलब हमने जो फ्रूट्स कलेक्ट किए हैं वो डिफरेंट ट्रीज से किए हैं. नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्ट. ही हैज़ अ डिस्टिंक्टिव स्कार अंडर हिज राइट आई, मतलब जो उसका राइट आई के नीचे कोई स्कार है, कोई भी दाग है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है. नेक्स्ट इज डिससिमिलर. Even though they are twins, the girls are dissimilar. मतलब sometimes ऐसा होता है ना, sometime कि जो भी twins होते हैं वो हमेशा similar होते हैं, but इस sentence में हमने उसको थोड़ा different कर दिया है कि even though they are twins, the girls are dissimilar. ओके अंडरस्टैंड. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप गाइस कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर आप सपोर्ट करेंगे तो गाइज मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको हमेशा मिलती रहेंगी, नहीं तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और हमारा नेक्स्ट वर्ड है सून. सून के हमारे वर्ड्स आएंगे शॉर्टली, क्विकली एंड ब्रीफली. फर्स्ट सेंटेंस आएगा शॉर्टली पे, हियर इज़ द टेबल, द वेटर विल बी विद यू शॉर्टली. ठीक है मतलब यहाँ पे टेबल है, जो वेटर है वो आपके पास जल्द ही आएगा. क्विकली, वी नीड टू डू समथिंग क्विकली, मतलब जल्दी करना, उसके लिए भी ये वर्ड है क्विकली. नेक्स्ट इज ब्रीफली, शी टोल्ड देम ब्रीफली व्हाट हैपेंड, मतलब कोई भी सिचुएशन है उसको थोड़ा ब्रीफ करके जल्दी जल्दी में प्रॉपर ब्रीफली बता देना, मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, उसको शॉर्टली बताना है. नेक्स्ट इज फेमस, रेनाउड और फेम्ड. दिस रेस्टोरेंट इज रेनाउड फॉर इट्स क्यूजीन्स, मतलब ये वाला रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के कुजींस के लिए. कुजींस का मतलब होता है कोई भी ईटेबल्स, कोई स्पेशली ईटेबल्स. जैसे कोई बीवरेजेस की बात होगी तो वहाँ पे आएंगे हमारे ड्रिंक, जिस चीज़ को हम ड्रिंक कर सकते हैं, मतलब लिक्विड थिंग्स, और कुजींस में आएंगे ईटेबल्स. और नेक्स्ट है फेम्ड, द सिटी इज़ फेम्ड फॉर इट्स आउटडोर रेस्टोरेंट्स. ओके कि ये वाली सिटी है किस चीज़ के लिए फेम्ड है, मतलब किस चीज़ के लिए बहुत पॉपुलर है, फॉर इट्स आउटडोर रेस्टोरेंट्स. ओके नेक्स्ट हमारा वर्ड है फियर, मतलब डर. इसका फर्स्ट वर्ड है स्केयर, स्केयर, फ्राइट
एंड ड्रेड. ओके, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसका सेंटेंस आएगा ही लुक्ड वेरी स्केर्ड, मतलब वो जो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा था, ही लुक्ड वेरी स्केर्ड. फ्राइट, ही टर्न्ड पेल विथ फ्राइट, मतलब वो थोड़ा जैसे कई बार डर के मारे एकदम कोई पीला पड़ जाता है वैसे, कि ही टर्न्ड पेल विथ फ्राइट, कि डर के मारे उसका रंग ही पीला हो गया. नेक्स्ट इज ड्रेड, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ठीक है, मतलब जो जला हुआ बच्चा था वो जो फायर थी उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, डर गया था एकदम से. नेक्स्ट इज हाइड, हाइड का मतलब आप सबको पता है कि किस चीज़ को छुपाना, ठीक है, कोई चीज़ विजिबल नहीं है. और इसका हमारा फर्स्ट वर्ड है कंसील, शी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड, मतलब उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने गुस्से को छुपाने की अपने फ्रेंड से. शी ट्राइड टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट मतलब जो नज़र से बहुत दूर है, विजिबल नहीं है, ठीक है, नज़र से दूर. शी सॉ देम ऑफ वेविंग अनटिल द कार वॉज आउट ऑफ साइट, शी सॉ देम ऑफ वेविंग अनटिल द कार वॉज आउट ऑफ साइट. ओके गाइज, ये था हमारा लास्ट वर्ड और इसका सिनोनिम. आज के हमारे सिनोनिम्स की वीडियो आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सारे रिलेटिव्स को शेयर कर दो, ताकि जल्दी से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ जाएँ और मैं डेली के डेली न्यू वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँ. क्योंकि अगर आप गाइज सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन थोड़ा और इन्हांस हो जाएगा और मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी, मैं वीडियोज़ डेली बनाऊँगी. वैसे तो मैं डेली बना रही हूँ बट सम टाइम कोई ना कोई डे स्किप हो जाता है फिर भी. और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन.